बंदे की लड़ाई तो बंदे की मानसिकता ना लड़ी जाती है, बंदे बंदे की सोच ना लड़ी जाती है। 39 साल लाए हैं इस काम से और किसानों की खातर लाए है, वो कोई आए नहीं लाए गए लीडर बनने वास्ते नहीं लाए, वो इस वास्ते लाए हैं शायद किसानी का कोई भला साढ़े पर हथों हो जाए। सेहत खराब सेहत ठीक नाल नहीं गल ये होंगी है कि साड़ी मानसिकता की कहती है, पर असी इनू एक्सट्रीम तक भावें कुछ भी हो गए मरना भी पवे, मैं तो मन के चलिया होया कि जेकर एक लीडर की मौत हो जाती है किसान लीडर की अंदोलन के बच्चे तो जरूर जो अज तक लोग कहते आए ने फलाना विक गया फलाना विक गया और फलाना विक गया, घट्टो घट किसान लीडर के मत्थे तो एक कलंक तो धोता जाऊगा। तो जो किसान का पंजाब के 6 पॉइंट चुने गए थे जाम किया मोर्चा लगया सीगा ते अज 8वें दिन के पहुँच चुके हैं। तो दूजे पासे गल करिए फरीदकोट की, फरीदकोट के जगजीत सिंह डल्लेवाला जिहड़े खुद मरण वास्ते बैठे है उन्होंने भी अज 5वां दिन हो गया। अज दे सवेरे सवेरे अपडेट जानते हैं डल्लेवाला की सेहत का हाल किस तरीके का है 5वें दिन। स्वागत है, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू फतह। हाल किवें है जी, क्योंकि अज 5वां दिन हो गया, दूजे दिन ही डॉक्टर ने तो कहता जी शुगर लो है, अज किवें तुसीं देखदे हो? देखो गल मैडिकल लाइन तो शुगर लो कह देना ये उन्हां दा वखरा इशू है, वेट भी चलो जे हुण लड़ाई लड़ांगे भुखे रहांगे तो वेट तो घटूगा, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे की लड़ाई तो बंदे की मानसिकता नाल लड़ी जाती है, बंदे की सोच नाल लड़ी जाती है। महाराज ने बाणी च एक थां ते लिखिया है कि मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदौरा लीन। जदों असी लोगों की खातर लड़न वास्ते तुरे ही हाँ, जिंदगी ला ली, जिंदगी दे रमाणा जी 39 साल लाए हैं इस काम से और किसानों की खातर लाए है, वो कोई आए नहीं लाए गए लीडर बनने वास्ते नहीं लाए, वो इस वास्ते लाए है शायद किसानी का कोई भला साढ़े पर हथों हो जाए। तो फिर जो ये हालात होंगे ने उन्होंने हालातों के सेहत खराब सेहत ठीक नाल नहीं गल ये होंगी है कि साड़ी मानसिकता की कहती है, पर असी इनू एक्सट्रीम तक भावें कुछ भी हो मरना भी पवे, मैं तो मन के चलिया होया कि जेकर एक लीडर की मौत हो जाती है किसान लीडर की अंदोलन के बच्चे तो जरूर जो अज तक लोग कहते आए ने फलाना विक गया फलाना विक गया और फलाना विक गया, घट्टो घट किसान लीडर के मत्थे तो एक कलंक तो धोता जाऊगा। तो बाकी किसान का विश्वास भी जथेबंदियों के उत्ते कायम होगा, सो इस करके सानू डाक्टर के मुताबिक भावें वेट वूट घटना ब्लड प्रेशर च फ्लक्चुएशन जी आनी ब्लड शुगर के वाधा घाटा जहा होना, वो परसों तो रात को ये गल हो गई सी इन्हों की भी बिल्कुल लो लैवल शो कर रहा जी, सारा मीटर दस ही नहीं रहा भी किन्ना है, तो पर इन गलों अंदोलनकारी कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा। ठीक है घटन गियां वधन गियां, जो रोटी छड्डांगे ये तो होएगा ही होएगा। डॉक्टर जिवें कहिंदे सी उदां दूजे दिन ही कहिंदे सीगे वी तुहाडी सेहत खराब हो सकदी है, हस्पताल दे विच तुहाडा इलाज चलूगा, उत्थे तुहानूं मेडिसिन देनी चाहीदी है, अज 5वां दिन हो गया तुहानूं तां। दो गल मैं यही गल तुहानूं हुणे दा कह के इसे दा जवाब पहले मैं देता, मेरा 15-15, 18-18 दिन तां मैं बहुत वारी इस गल ते आया, ते जदों मैं पहले ही गल कीती है कि डॉक्टर बेचारा जिहड़ा हुंदा ना जी, डॉक्टर भी प्रशासन का एक पार्ट है, उन्हूं जिस तरीके दे प्रशासन सरकार का एक पार्ट है, सरकार दे इहो जिहे आदेश हुंदे ने उन्हां आदेशां मुताबक थले तिकरों इंप्लीमेंटेशन हुंदी है, ते उन्हां दा इह हुंदा भी किसे ना किसे तरीके दे नाल इह कह के भी सेहत विगड़ गई जी, उह हो गया जी, आह हो गया जी, तो जदों असीं उन्हां नूं कहता भी लिख के लै लो साथों, अगर सानूं कुछ होएगा ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਰੁਮਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ, ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ, DC ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਏ, IG ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ SKM ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸੋਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਟਕੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟਕੈਤ ਦੀ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ,
दो साढ़े मतलब पटियाले बैठ गए सी मुक्त इतने मान साहब बैठने तैयार हो गए उन्होंने सारे स्पैशल मीटिंग करके रोके भी ना यह कुछ ना करो किसी ने तो मरण वाला एक नहीं है मरण वाले तो बहुत बाले मतलब पैदा हो गए डोईवाल साहब जिम्मे हूँ हजे तक तो फिलहाल जो अटल दिखाई दे रहे हो तुम बोल भी थोड़ा सारा वधिया है डॉक्टर ने कोई ना कोई तुम्हें क्या हो ज्यादा बोलना नहीं बोलने तो गुरेज करो या कोई होर कोई ना कोई सुजैशन दी हो डॉक्टर भी सारे सारे साथी भी सानू भी पता है इस गल का कि भी अस एनर्जी वेस्ट होंगी है अंदोलन लंबा खिंचन दे एनर्जी चाहिए है पर दूजे पास ये भी है ना कि जिनी एनर्जी जाएगी जिन्ना मतलब शरीर थले जाएगा उन्नी सरकार थले आऊगी ये कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जरूर है डॉक्टर जरूर बार बार कह रहा प्रशासन बार बार कह रहा है कि ना नेड़े आओ ना ने मतलब वो तो थानू भी कह रहे हैं पत्रकारों कहो जी ने ना आओ हजे मतलब कोई मतलब बार बार इसे आस्ते फिर सारे ने सलाह करके रखा कि शाम को 4 बजे सारे पत्रकारों एको बार गलबात सांझी कर ले लास्ट सवाल है डलियाला साहब किसानों प्रदर्शन कर रहे पूरे कोई अपील ता जो आने वाले समय के पंजाब का माहौल भी ना खराब हो जिहड़ियां तुहाडियां मंगां उन्हां दी भी पूर्ति हो जाए तो जिहड़ा माहौल स्थिर बनया रहे देखो किसानों तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों ये जी लड़ाई है इन्हें तुम पहले तो परखो कि ये तुहाडी है जे तुहाडी है तो तुहानू इस अंदोलन का सरकार दे मगर लग के किसी तरह की भी मतलब आवाज़ चुकन तो पहला ये सोचना चाहिए है कि ये लड़ाई किहदी है तुहाडी लड़ाई है तुहाडी लड़ाई लड़ रहे हैं पर नाल अगली भी गल है कि असीं एक्सट्रीम तक लेके जावांगे साडी मौत हुंदी है कुछ कोई गल नहीं बाद दे विच मेरी अपील है सारे कारकुनां नूं कि मेरी मौत भी अगर हो जाती है तो भड़क के किसी तरह का किसी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना अंदोलन करना है अंदोलन में तुम छड ना जायो इनू जितने तक लेके जाना है बस मेरी इन्नी की अपील है और मैं मतलब कुछ नहीं कहना चाहता चलो असं परमात्मा अगे यही अरदास बेनती करते हैं कि जी तुम लास्ट के गल कही है वो जमीनी पद्धर से ना होती सेहत भी वधिया रहे तो जो जो मंगा है उन्होंने भी कितने कितने ना कि जी पंजाब सरकार सतर्क हो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करे तो जरा आप अपने घर जाओ तो जगजीत सिंह डलेवाल जी गलबात की है क्योंकि हालांकि जोड़ा उन्होंने 5वां दिन हो गया उन्होंने सेहत कितना कितने जी जरूर क्योंकि खादा पीता नहीं कुछ फिर भी उन्होंने जोड़ा बड़ा अटल होकर गलबात की है उन्होंने कहा कि जिन्ना चिर नोटिफिकेशन जारी नहीं हूँ उन्ना टाइम इस तरह डटे रहने कल तुम्हें दस दें कि 24 तरीक न इस कैम के पूरे जे लीडर भी इतने पहुँच रहे हैं जी इन्हें मीटिंग हो जा रही है अगला जो फैसला भी इन्होंने वालों लिया जाएगा तो हम देखना होगा कि क्योंकि जे अज की गल करिए अज पूरे देश के जिहड़े क्योंकि पिछले दिन जो भगवंत मान वालों कुछ बोल जो बोल गए थे किसानों के रोस उसनों लेकर पुतले फूक जा रहे हैं तो अज नाल ये भी एक खबर आ रही है टकैत साहब भी इतने पहुँच रहे हैं तो दूजे पासे जे आप गल करिए इतने पूरे धरने की फरीदकोट की तो फरीदकोट का जो हम मुख जे बैठे से धरने पर इसने दिल्ली का एक हिसाब के नाल जो दिल्ली बार्डर से जो धरना लगा से वह रूप जो धार लिया तो सरकार हुण इन्हां दीआं मंगां दी पूर्ति करदी है नोटिफिकेशन जारी करदी है ये देखने वाली गल होगी गुरजीत सिंह रमाणा D5 चैनल पंजाबी T.29 जिला फरीदकोट सत श्री अकाल मैं तुहाडा अपना धर्मेंद्र संधु खबरां दा सिरा प्रोग्राम जो तुहाडा अपना प्रोग्राम है उसनों तुसीं रोज़ाना सवेरे देखते हो पर इस प्रोग्राम दे विच हुण थोड़ी जी तब्दीली आई है तब्दीली समय च आई है भारतीय समय के मुताबक ये प्रोग्राम हुण तुसीं सवेरे 7 बजे लाइव देख सकोगे यानी कि भारतीय समा जदों भारत विच 7 बजदे ने तां उदों तुसीं ये प्रोग्राम देख सकोगे 7 तों लैके 8 बजे तक लाइव प्रोग्राम होवेगा जिस तरह रोज़ाना तुसीं अपने हरमन प्यारे प्रोग्राम दे नाल जुड़दे हो खबरां दा सिरा प्रोग्राम दा हिस्सा बनदे हो उस तरह ही 7 बजे तों लैके 8 बजे तक भी तुसीं रोज़ाना जुड़ना है पहला ये प्रोग्राम 8:30 तों लैके 9:30 बजे तक भारतीय समय के मुताबक प्रसारित किया जाता सी लाइव किया जाता सी ते हुण जिस तरह के नाल बदलाव आते हैं मौसम के बदलाव आते हैं उस तरह अमेरिका कैनेडा का टाइम भी बदल जाता है तो वो मुताबक असी भी थोड़ा जहा बदलाव किया भारतीय समा बदल दिता गया भारतीय समय के मुताबक ये प्रोग्राम हुण जो तुहाडा अपना प्रोग्राम है खबरां दा सिरा जिहदा तुसीं हिस्सा हो परिवार का हिस्सा हो D5 चैनल पंजाबी दे वो प्रोग्राम हुण तुसीं सवेरे 7 बजे तों लैके 8 बजे तक लाइव देखोगे ये तुसीं
कॉल भी कर सकते हो, सुझाव दे सकते हो, अपने विचार साडे नाल सांझे कर सकते हो। तो अपने गली मुहल्ले हल्के इलाके का कोई भी मुद्दा साडे नाल सीधे तौर दे उत्ते सांझा कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम दे विच उसे तरह ही गुरनाम सिंह कीदा सीनियर पत्रकार ते सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों भी शिरकत करया करनगे टाइम टू टाइम, ते नाल ही मैं भी तुहाडे नाल हाज़र होया करांगा। ते रोज़ाना तुसीं हुण प्रोग्राम देखना है भारतीय समय के मुताबिक सवेरे 7 तो लैके 8 बजे तक भारतीय समय मुताबक असी तुहाडे नाल रोज़ाना रूबरू होया करांगे तुहाडे अपने हरमन प्यारे प्रोग्राम खबरां दे सिरे दे विच। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।